बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। आज हम विज़िट करने वाले हैं जी साइमा मॉल का, जो कि वाकई जौहर मोड़ पे मिलेनियम मॉल के बिल्कुल बराबर। आज के विज़िट में आपको देखने को मिलेगा ज्वेलरी, कपड़े, सैंडल्स, पर्स। इसके अलावा जो यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पर आपको नहायत ही चीप प्राइजेस में काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है। मतलब ये कि अच्छी से अच्छी वैरायटी भी आपको मिल जाएगी। स्टॉल्स यहाँ पे काफ़ी सारे लगे होते हैं साइमा मॉल में। आप जब जाएंगे तो आपको इंटर होते ही आपको सामने छोटे छोटे स्टॉल भी नज़र आएंगे। इसके अलावा दीगर शॉप्स भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए थे इस कॉर्नर के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे 1200 में 2 पीस नज़र आ गए थे। बहुत अच्छे से थे, एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी, कलर भी मतलब लाइट लाइट से कलर थे और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। आपको 1800 रुपये की रेंज के अंदर मिल रहे थे, मतलब नॉट बैड, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा था। इसके अंदर भी यूज़ हुआ हुआ अच्छा। इसके अलावा ये 1200-1200 रुपये में आपको फ्रॉक और इस तरह की, इस टाइप की ना गर्ल्स के हवाले से ना काफ़ी प्यारी प्यारी कलेक्शन यहाँ पे मिल रही थी। ये सब आपको 1200 रुपये की रेंज के अंदर मिल जाएगी। 1200 से लेकर 1800 तक की रेंज के अंदर 2 पीसेस ड्रेसेस थे ये। कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले थे, कुछ सिंपल थे, कुछ ऑर्गेन्जा पे थे। अच्छा, ये जो ऑर्गेन्जा वाले हैं ये भी आपको 1800 में 3 पीस ड्रेस मिल रहा था। दुपट्टे के साथ कंप्लीट मतलब ड्रेस था और काफ़ी अच्छे कलर इसके अंदर मौजूद थे। ये सारे आपको स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ में अवेलेबल थे यहाँ पे, और ये सब आपको 1800 रुपये की रेंज के अंदर मिल रहे थे। मतलब पार्टी वेयर के हिसाब से भी अच्छे थे ये, और कैजुअल वेयर के हिसाब से भी बेहतर थे। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब हल्का फुल्का सा अगर कोई घर में दावत है या फंक्शन है तो उस हिसाब से पहनने के हिसाब से ना काफ़ी अच्छी कलेक्शन यहाँ मौजूद थी। ये सब आपको यहाँ पे मिली थी 1800 रुपये की रेंज के अंदर। कलर इसके अंदर काफ़ी सारे थे। अच्छा, ये साइमा मॉल में ना आपको स्टॉल्स नजर आएंगे, तो ये वहाँ की सारी कलेक्शन है। अच्छा, इसमें इनका जो है ना ऑनलाइन कोई नंबर नहीं है, आपको विजिट करना पड़ेगा तभी आपको जो है ना ये वैरायटी मिल जाएगी वहाँ से। अच्छा, ये सारी कलेक्शन यहाँ मौजूद थी, काफ़ी मतलब अच्छी कलेक्शन मौजूद थी। गर्ल्स के हवाले से भी, खवातीन के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन थी। और वही बात है कि एक्सेल, लार्ज, मीडियम सारे साइज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। इसके अलावा ट्राउज़र शर्ट्स की भी काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ मौजूद थी। इसके अलावा आपको ट्राउज़र के अलावा यहाँ से आपको ऑर्गेन्जा के दुपट्टे भी मिल जाएंगे। मतलब ये कि काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पे मौजूद होती है। स्टॉल्स की शक्ल में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी बहुत चीप प्राइस में मिल जाती है, मतलब साइमा मॉल पे। ये आपको शॉप में लेने जाएंगे तो 2000-2500-3000 इस तरह की रेंज में मिलेंगे। बट ये कि स्टॉल से लेने में ये होता है कि आपको काफ़ी लिमिटेड ऑफर जो है ना मिल जाती है अमाउंट में। अच्छा, इसके अलावा मैं नेक्स्ट स्टॉल पे जब आई थी यहाँ पे, तो 700 में यहाँ पे सेल लगी हुई थी। ये सारी आपको 700 की रेंज के अंदर पर्सेस की सेल मिल जाएगी। काफ़ी खूबसूरत पर्सेस थे, मतलब ये कि जो है ना कैजुअल वेयर के हिसाब से ना बहुत अच्छी मतलब कलेक्शन यहाँ मौजूद थी। मतलब कुछ एवरेज भी थी, कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ नॉर्मल से थे। तो इस तरह की मिक्स कलेक्शन यहाँ मौजूद थी। यहाँ पर आपको 600-600 रुपये की यहाँ पर रेंज के अंदर सब मिल रहा था। अच्छा, इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आई थी ना, ये भी इस तरह का, इस टाइप का पर्स था कि मतलब ये लॉन्ग बैट के साथ अपना मतलब क्रॉस बॉडी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप की यहाँ पे कलेक्शन यहाँ मौजूद थी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ना जो कलेक्शन मिलेगी ना, वो सैंडल्स और स्लीपर की भी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन मिलेगी। अच्छा, आगे जो है ना मैंने ज्वेलरी का बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक कवर किया, तो वीडियो को आपने एंड तक मस्त देखना है। काफ़ी अच्छी ज्वेलरी की कलेक्शन और बहुत सस्ती कलेक्शन आपको दिखाऊंगी मैं। आपको 200-250 की रेंज से स्टार्ट थी और तकरीबन 800 तक के हिसाब से रेंज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये भी पर्स प्यारा लग रहा था, ये 500 की रेंज में मिल रहा था। बच्चियों के हिसाब से भी कलेक्शन मौजूद थी। ये सब यहाँ 500-500 रुपये के सेल में लगे हुए थे, मतलब 500-600-650 इस तरह के सेल में यहाँ पे लगे हुए थे। अच्छा, ये 600 के सेल में यहाँ पे लगे हुए थे, डिफरेंट टाइप के स्लीपर्स थे। इसके अलावा ये क्लचेस और जो बैग्स थे ना, हैंडबैग, ये बड़े प्यारे लग रहे थे। आपको 1500 से लेकर 3000 तक की रेंज के अंदर यहाँ पे मिल रहे थे। ये भी काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन था, मतलब ये कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर ही शॉप नज़र आ जाएगी। जैसे आप इंटर होंगे ना तो आपको सामने ज्वेलरी की और प्रेसेस वगैरह की शॉप ये नज़र आ जाएगी। बेसिकली ये स्टॉल होते हैं, यहाँ पे शॉप तो नहीं कह सकते इसको, स्टॉल लगे हुए होते हैं और मतलब शॉप के आगे ना, तो आपको इजीली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये सब 1500 से लेके 2000-2500-3000 तक की रेंज के अंदर यहाँ पे ये मिल रहे थे। कलेक्शन सारी बहुत खूबसूरत तो फैंसी कलेक्शन थी, तकरीबन सारी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन यहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, इसके अलावा ना ज्वेलरी की इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे कोई कलेक्शन थी ना, आगे मैंने ज्वेलरी की काफ़ी कलेक्शन कवर की है। डेली वेयर मतलब कैजुअल वेयर, इसके अलावा पार्टी वेयर, ब्राइडल वेयर तक की कलेक्शन भी आपको 1500 से 2000 तक की रेंज मिल जाएगी। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी कर लिया करें, शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये और लोगों के भी काम आ सके वीडियो। अच्छा, वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें मैंने सेलेक्ट और सिलेक्टेड कलेक्शन आपको इसमें मैंने दिखाया है, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। काफ़ी अच्छी यूनिक सी कलेक्शन आपको मैंने दिखाई है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पे ये मेकअप की एक शॉप नज़र आ गई थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेकअप था, बट ये है कि ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में था और पिगमेंटेशन के हवाले से ना बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी ये।
ये सब आपको 800, 700, 400 इस तरह की रेंज में पैलेट यहाँ पे मिल रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा, इनकी पिगमेंटेशन जो थी ना, एक ब्रांड मतलब हाईली क्वालिटी के ब्रांड का मुकाबले की यहाँ पे जो है ना, मतलब क्वालिटी वाइज चीज़ थी, चीज़ें यहाँ पे सब बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी कलेक्शन आपको मेकअप की तकरीबन ऑल ओवर रेंज यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेड मेकअप भी यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, ये 1000 रुपीज़ की जो है ना रेंज के अंदर सेल लगी हुई थी, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, माथा टीका के साथ, लॉकेट के साथ, और ना मतलब कंप्लीट एक सेट था, तो ये आपको 1000 रुपीज़ की रेंज में मिल रहा था। ये झुमकिया 250 की रेंज के अंदर मिली थी, 200, 250, 350 तक की रेंज के अंदर। फिर ये कड़े थे, स्टोन वर्क में, जड़ाओं में थे, तो ये 350 से लेके 800 रुपये तक की रेंज के अंदर मिल रहे थे। ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे, मोस्टली कलेक्शन 350 रुपये की रेंज के अंदर अंदर था। यहाँ पे इस तरह की आपको काफ़ी सारी कलेक्शन मिल जाएगी, कुंदन वर्क में भी यहाँ मौजूद थे, स्टोन वर्क में भी मौजूद थे, मतलब काफ़ी अच्छी जो है ना कलेक्शन थी यहाँ पे, कड़ों की, चूड़ियों की, जैसे न्यूली ब्राइड्स के लिए नीड होती है तो फिर वो उस टाइप की ज्वेलरी तो काफ़ी अच्छी थी, और पार्टी वेयर के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन यहाँ मौजूद थी। ये भी एक स्टॉल ही था जो हमने स्टॉल की बनाई है। अच्छा, ये 1000 रुपीज़ में यहाँ सारे सेल में लगे हुए थे, प्यारे प्यारे मतलब सेट थे, कम्प्लीट पार्टी वेयर सेट थे, और ये सब आपको 1000 रुपीज़ की रेंज के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, ये सब 250 की रेंज के अंदर थे, जितने आपको फैंसी टॉप्स वगैरह दिखा रही हूँ ये सारे 250 की रेंज में थे। आगे भी ज्वेलरी की बहुत ज़बरदस्त सी कलेक्शन यहाँ मौजूद थी, 200, 250 रुपये इस तरह की रेंज के अंदर यहाँ पे मिल रही थी। अच्छा, ये जो कड़े आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये जो थे ना 350 रुपये की रेंज के अंदर थे, ये ऑल ओवर जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये इस रेंज में यहाँ पे ये मिल रहे थे, काफ़ी अच्छी कलेक्शन यहाँ पे मौजूद थी। ये ब्रेसलेट 250, 350 इस तरह की रेंज के अंदर मिल रहे थे, ये भी प्यारे लगते हैं पहने हुए काफ़ी। ये सारे जितने भी आर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ये सब 250 की रेंज के अंदर थे, ये भी पहने हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये स्टोन में काफ़ी अच्छे आजकल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में है, तो ये सब 250, 350 की रेंज में मिल जाएंगे। बट ये सब स्टॉल्स पे अवेलेबल थे यहाँ पे साइमा मॉल पे, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो लाजमी जाके विज़िट करें, उनके घरों में शादी है उनकी, बहुत ही काम की वीडियो है, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, इसके अलावा ये आपको जो सेट नज़र आ रही है 1000 रुपीज़ की रेंज के अंदर आपको मिलेगा, 800 से लेके 1000 में, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। इस तरह की रेंज में आपको तकरीबन यहाँ पे सारे सेट मिल जाएंगे, और जो ये वाले ब्रेसलेट टाइप के जो मतलब ये बड़ी बड़ी मालाएं थी ये 500 की रेंज में यहाँ पे मिल रही थी, तो ये भी सिंपल ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, सब 500 की रेंज के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहे थे। यूनिक सी ज्वेलरी थी ये सारे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल थे, इस टाइप की आपको काफ़ी सारी मजीद ज्वेलरी भी मिल जाएगी यहाँ साइमा मॉल पे। अच्छा, ये मुझे कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था, एयरिंग्स का ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, 350 रुपये का ये सारा कलेक्शन यहाँ मौजूद था, इतने एक से एक खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन थे ना, मतलब इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी, कलेक्शन सारी मैंने कवर की थी, मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी ना ये ज्वेलरी, तो ये सारी ज्वेलरी आपको 200, 250, 350 रुपये की रेंज के अंदर मिल रही थी। ये वैसे पहने भी बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी खूबसूरत सी कलेक्शन थी, ये सारी आपको मतलब इसी रेंज के अंदर मिल रही थी, कोई महंगी बिल्कुल भी नहीं थी ज्वेलरी, मतलब ये कि जो नॉर्मल मार्केट से मिलता है वही रेट्स प्राइस आपको यहाँ पे मिल रहे थे। ये भी आपको 350 रुपये की रेंज में मिल रहे थे, ये स्पेशली साड़ियों के ऊपर या पार्टी वेयर ड्रेसेस के ऊपर, लाइट सी गर्ल्स के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये सारी कलेक्शन थी, इतनी प्यारी कोई कलेक्शन यहाँ मौजूद थी ना, ये सारे स्टॉल थे वन बाय वन, मतलब आप जब विजिट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे कलेक्शन मौजूद थी। अच्छा, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं सब 800 से लेके 1000 रुपीज़ तक की रेंज के अंदर थे, ये हैवी थे स्टोन में, और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।